हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आज आप सबका फिर से फाइव जी में ठहर भाई राहुल सर मैं यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल सर आज आप सबके बीच 20 अगस्त 2020 का समसामयिक कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो दरोगा का एग्ज़ाम हो या वनरक्षी का एग्जाम हो या फिर वन पाल का एग्ज़ाम हो या आने वाला रेलवे का एग्जाम हो इन सभी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के इस सेशन में हम लोग मात्र दस क्वेश्चन को, को हल करेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन तो सबसे पहले हम लोग 20 अगस्त का इतिहास देखेंगे तो देखिए 20 अगस्त का इतिहास ये है यानी कि आज के दिन भी कुछ घटना घटित हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो यहाँ दिया हुआ है उन्नीस को यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को अंगीकार किया गया यानी कि आज ही के दिन यानी 20 अगस्त उन्नीस को यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को अंगीकार किया गया था फिर पंद्रह सौ संतानवे में पूर्वी एशिया में डच ईस्ट इंडिया तो कंपनी का पहला जहाज वापस आया, यानी कि 20 अगस्त पंद्रह को पूर्वी एशिया से डच ईस्ट इंडिया तो कंपनी का पहला जहाज वापस आया था फिर 20 अगस्त उन्नीस को तत्कालीन सेवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था बीस अगस्त दो हज़ार चौदह को प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु बी के एस अयंगर का निधन हुआ था बीस अगस्त उन्नीस सौ उनासी को प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था फिर अगला है कि बीस अग, अगस्त उन्नीस सौ सत्रह में प्रगतिशील धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म हुआ था और आज ही के दिन देखिए बीस अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है तो बीस अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म भी हुआ था चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी यानी 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दी यह एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा देखिए यह जो एजेंसी है इस एजेंसी का देखिए आज ही सॉरी 19 अगस्त को स्थापना की मंजूरी दे दी गई है तो इस जो भर्ती एजेंसी है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बहाली होती है रेलवे रेलवे हो गया एसएससी हो गया बैंक हो गया तो उन सबका एग्ज़ाम अलग अलग होता है जैसे बैंक का एग्जाम जो है वो आईबीपीएस लेता है रेलवे का एग्जाम सॉरी एस और फिर ये जो इनकम टैक्स वगैरह हो होते हैं इसका एग्ज़ाम एस लेता है है ना तो वैसे ही इन सबको संजीक्त रूप से अब आपको एक ही एग्जाम देने होंगे और जो और आपका जो रिज़ल्ट होगा उसका वैलिडिटी तीन वर्षों तक होगा आगे है इसका मुख्य बिंदु मुख्य बिंदु है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार में गैर राज्य पत्रित पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सी ई टी आयोजित की जाएगी सी ई टी का स्कोर तीन वर्ष के लिए वैध होगा यानी यदि आप सी ई टी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ये तीन वर्ष के लिए होगा इसका जो वैलीडिटी होगा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं चलिए तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे तो ऑप्शन एक देखिए दिया है दो हजार बीस फार्मूला वन रेस किसने जीता ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास मैक्स पेन लुइस हैमिल्टन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा स्पेनिश ग्राफ प्रीमियम लिंग जो है 2020 हजार बीस फार्मूला वन रेस को लुइस हैमिल्टन ने जीता है तो देखिए लुइस हैमिल्टन जो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं ने सर्किट डी बर्सिलोना कैटालूनिया स्पेन में आयोजित फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्राफ प्री 2020 जीता है यह इस सीजन की उनकी चौथी जीत थी और उनके करियर की अठासीवी जीत थी इस, इस रेस में मैक्स वेल स्टेपेन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बो, बोटास रहे हैं चलिए दूसरा क्वेश्चन है उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटका मिला था इस कथित खुदकुशी की सीबीआई जांच कर रही है अगला क्वेश्चन नंबर तीन है हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया ऑप्शन है हरमीत सिंह ऑप्शन बी है लखनलाल श्रीवास्तव ऑप्शन सी है चेतन चौहान और ऑप्शन डी है मनोज चौहान तो इसका सही जवाब हो होगा ऑप्शन सी यानी कि चेतन चौहान चेतन चौहान ने अपने बारह साल लंबे क्रिकेट कैरियर के दौरान भारत के लिए फोर्टी टेस्ट मैच खेले जिसमें सोलह और शतक और दो विकेट लेकर दो हज़ार चौरासी रन बनाए चेतन चौहान को उन्नीस में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली थी अगला क्वेश्चन नंबर फोर है कि निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी ऑप्शन बी हरभजन सिंह ऑप्शन सी रोहित शर्मा ऑप्शन डी है सुरेश रैना तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरभजन सिंह हरभजन सिंह को ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ईबाई बाई गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेस्टर बनाया है हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेस्टर बनाने के साथ कंपनी कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है अगला क्वेश्चन नंबर पाँच है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए एक सौ इक्यावन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया ऑप्शन ए है उत्कर्ष ऐप ऑप्शन बी है मोती ऐप ऑप्शन सी है स्नेह ऐप और ऑप्शन डी है सखी ऐप इसका सही जवाब होगा भाई साहब ऑप्शन डी यानी कि सखी ऐप तो केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी ने आगामी एक वर्ष में पाँच सौ और आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है सखी एप्लीकेशन के जरिए सभी उत्कर्ष उतकर, उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश दिया जाएगा जिसके अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी एप्लीकेशन के जरिए होगा अगला है आपका क्वेश्चन नंबर छः है गो एयर एयर लाइन के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं ऑप्शन ए राहुल भाटिया ऑप्शन बी कौशिक खोना ऑप्शन सी एम दामोदरन और ऑप्शन डी है विनय दुबे तो इसका सही जवाब होगा कौशिक खोना कौशिक खोना को गो एयर एयर लाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है वह विनय दुबे का स्थान लेंगे गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है यह भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है अगला है क्वेश्चन नंबर सात है कि हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नामक कॉमर्स तो प्रणाली शुरू किया है ऑप्शन ए महाराष्ट्र ऑप्शन बी असम ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है केरल तो देखिए देखिए येलो चेन, इसका सही जवाब होगा नागालैंड येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा जहां कोई भी विक्रेता व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकरण कर सकेंगे और अपने उत्पादों को अपलोड कर सकते हैं ताकि नागरिकों खरीदारों को उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच हो सके। अगला है भारत का आयुष मंत्री कौन है ऑप्शन ए है मुन्ना सिंह चौहान ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह ऑप्शन सी है प्रकाश जावेरकर और ऑप्शन डी है श्रीपाद यशो नायक देखिए आयुष्मान मंत्री जो हैं हाँ, ऑप्शन डी होगा श्रीपाद यशो नायक इस, इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था जिसमें पचास हज़ार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से लोगों को प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है तो भारत का आयुष मंत्री हैं श्रीपाद येसो नायक देखिए क्वेश्चन नंबर नौ है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है ऑप्शन है ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन सी है, है कर्नाटक बैंक और ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एस एल मलिक कार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया इस अभियान को 15 अगस्त से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि दस नंबर है आपका क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौहत्तरवें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कितने समय तक भाषण दिया ऑप्शन ए है एक घंटा छब्बीस मिनट ऑप्शन बी है एक घंटा चौवन मिनट ऑप्शन सी है दो घंटा छप्पन मिनट और ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी भी है दो घंटा छप्पन मिनट तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है एक घंटा छब्बीस मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सातवीं बार स्वतंत्रता दिवस भाषण दिए उन्होंने अपने एक घंटे छब्बीस मिनट लंबे भाषण में आत्मनिर्भर भारत लोकल टू वोकल और मेक इन इंडिया टू मेकर मेक फॉर वर्ल्ड जैसे विषयों पर ध्यान जोर दिया तो चलिए दोस्त आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं यदि आ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तब तक के लिए नमस्कार